आप देख रहे हैं नंबर वन शो का जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं अस्तुल पाठक। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह एक बार फिर कांग्रेस के निशाने पर है। इस बार सत्ताधारी दल ने सूबे के पूर्व मुखिया पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस संबंध में मंगलवार को कांग्रेस ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। कांग्रेस ने कहा है कि वो सवाल पूछना चाहती है कि रमन सिंह की संपत्ति 2008 से 2018 के तीन चुनाव के बीच कैसे 10 गुना से अधिक बढ़ गई। उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे उनकी संपत्ति इस तरह से बढ़ती गई। उनकी पत्नी और बेटे के पास इतना पैसा कहां से आया। जाहिर है कांग्रेस ने रमन सिंह पर बड़ा हमला बोला है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी बिना देर किए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस के आरोपों को राजनीतिक करार दिया। खैर, पूरी कहानी क्या है, किसकी बातों में वजन है, इस पर आज विस्तार से बात होगी। साथ ही हम रुख करेंगे मध्य प्रदेश की ओर, जहां कर्मचारियों से जुड़े फार्मूले में अब बड़ा बदलाव हो सकता है, और ये बदलाव हुआ तो फिर उन कर्मचारियों को झटका लगना तय है जिनकी सीआर खराब है। दरअसल कहा जा रहा है कि शिवराज सरकार कर्मचारियों को लेकर 20-25 के फार्मूले पर सख्ती बरतती जा रही है। नई व्यवस्था का आदेश भी जारी हो चुका है, लिहाजा अब उन कर्मचारियों में ज्यादा बेचैनी है जो लापरवाह है और काम के प्रति ईमानदार नहीं है। ऐसे में उन्हें इस बात की चिंता सता रही है कि अगर नए नियम के मुताबिक काम हुआ तो फिर उन्हें समय से काफी पहले ही सेवानिवृत्त किया जा सकता है। लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के साथ और किन कर्मचारियों पर भी गाज गिर सकती है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि क्या 20-50 के फार्मूले से सरकारी कामकाज में कसावट आएगी और कर्मचारियों की भारी कमी के बीच क्या नई व्यवस्था पर अमल हो पाएगा। लेकिन शुरुआत छत्तीसगढ़ के साथ करते हैं, जहां भूपेश सरकार के निशाने पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की आय से अधिक संपत्ति का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल कांग्रेस के युवा नेता विनोद तिवारी ने पूर्व मुख्यमंत्री की आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पीएमओ से की थी। बताया जा रहा है कि इस पर जांच भी शुरू हो गई है। ऐसे में कांग्रेस डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ पूरी तरह से मुखर हो गई है और लगातार मोर्चा खोले हुए है। मामले में कांग्रेस ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रमन सिंह पर तीखे आरोप लगाए हैं। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के आरोपों को सिरे से नकार भी रहे हैं। इतना ही नहीं, रमन सिंह ने चुनौती दी है कि अगर कांग्रेस के पास कोई तथ्य है तो सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी को दे। चलिए इस अहम मुद्दे पर चर्चा शुरू करें, उसके पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में सत्ता गंवाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह एक बार फिर सुर्खियों में। सुर्खियों में रहने की वजह उनके बेटे अभिषेक सिंह हैं, जिनकी कंपनी ब्रिटिश वर्जिन आयरलैंड में है और अकाउंट एचएसबीसी बैंक में था। साल 2015 में एचएसबीसी बैंक में काले धन के अकाउंट का जो खुलासा हुआ था, उसमें एक नाम अभिषेक सिंह का भी था, जिसका पता डॉक्टर रमन सिंह का घर था। इस मामले को सत्ता में आने के 1.5 साल बाद कांग्रेस ने उठाया है। कांग्रेस के युवा नेता विनोद तिवारी ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और उनके बेटे अभिषेक सिंह की आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पीएमओ से की है। शिकायत में पनामा से हुए खुलासे का भी जिक्र है। शिकायत पर पीएमओ मार्क करके संबंधित अधिकारी को वेरीफाई करने को कहा, जिसके बाद कांग्रेस सक्रिय हो गई। सत्ताधारी दल ने राजनीतिक दांव चलते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र से रमन सिंह और उनके परिवार की आय से अधिक संपत्ति की जांच की मांग कर दी। रमन सिंह जी ने अपनी आय से कई गुना अधिक संपत्ति बनाई। हम मांग करते हैं कि रमन सिंह जी, वीणा सिंह जी और अभिषेक सिंह की संपत्ति की जांच हो। घोटालों का पैसा रमन सिंह जी के पास पहुंचता रहा, इसके हम अभी सबूत मुहैया कराने जा रहे हैं। इधर पूर्व सीएम रमन सिंह ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया। रमन सिंह के मुताबिक वे कांग्रेस के पोल खोलते हैं, इसलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है। उनकी संपत्ति तो सार्वजनिक है। उस आरोप को जिसकी जांच सुप्रीम कोर्ट ने कर चुका है, जहां भी आपने पिटीशन लगाया वहां से लौट के आ गए, मेरी संपत्ति तो खुलेआम है।
सरकार की बौखलाहट यह है कि सरकार के सारे गलत मामले अब जनता के सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कांग्रेस के निशाने पर हैं, लेकिन सवाल वही है कि कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, अगर उसके पास इसके पुख्ता प्रमाण है तो फिर भूपेश सरकार रमन सिंह पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि कहीं ये आरोप राजनीतिक तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो निशाने पर रमन, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता रमेश कल्याणी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता नरेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हैं और हमारे भोपाल स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हैं। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बल्याणी साहब, सबसे पहले आपसे, ऐसा ये तो बहुत पुराना मामला है, ऐसा आज आपने कौन सा सबूत दे दिया है? जैसा कि आपके प्रवक्ता ने कहा कि मैं सबूत देने जा रहा हूं, कौन सा सबूत ऐसा दे दिया है कि रमन सिंह जी पे एकदम संगीन भ्रष्टाचारी आपने सिद्ध कर दिया उनको? यह आरोप लगाया है, दरअसल चुनाव आयोग की यह व्यवस्था है कि जब जब आप चुनाव के समय अपना नामांकन पत्र भरते हैं जी, तो उसमें अपनी आय और संपत्ति का ब्यौरा देते हैं जी। अब रमन सिंह जी ने जो आय और संपत्ति का ब्यौरा दिया है उसी को हमने रखा है जी, कि आपके पास 2008 में बैंक में था 5 लाख रुपया जी, तो 2018 में बढ़ के वो हो गया 1,03,00,000 रुपया जी। तो आपकी सैलरी तो होती है करीबन 1.5-2 लाख रुपया और उसमें से 50% पैसा तो आपका घर खर्च में चले जाता है जी। तो ऐसा सोर्स आप ऐसा कौन सा था जिसमें आपकी आय से अधिक संपत्ति हो गई? मतलब ये बैंक उनके खुद के हैं, बैंक स्टेटमेंट ही है केवल आपके पास ना। मीरा सिंह का चुनाव आयोग में जो उन्होंने बैंक में अपनी जमा राशि बताई है वही है जी, जी। हम ये आंकड़े उन्हीं के दिए हुए हैं शपथ पत्र में जी। वीरा सिंह जी बोलते हैं 2008 में 40,000 था, 2018 में बढ़ के हो गया 35,55,000 रुपया जी, जी। बैंक में जी। रमन सिंह जी के पास गोल्ड था 2008 में 23 तोला जी, 2018 में हो गया 57 तोला जी। और वीरा सिंह जी के पास था 2008 में गोल्ड 55 तोला, वो 2018 में बढ़कर हो गया 235 तोला जी। तो आखिर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ तो आमदनी कौन सी थी भाई, ये तो मालूम पड़े। क्योंकि कोई व्यक्ति यदि मुख्यमंत्री के पद पर है जी, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पोस्ट में होने के बाद दूसरा कोई व्यापार तो कर नहीं सकता जी। तो ये आखिर ये इनकम कहां से आई, ये इन्वेस्टमेंट कहां से आया जी? ये सवाल इसलिए उठा है कि रमन सिंह जी ने कल खंडन कर दिया कि पीएमओ ने मेरी जो शिकायत की उसको नसीबद्ध कर दिया है। हमारा कहना यह है रमन सिंह जी को, यदि आप पाक साफ हैं तो आपको पीएमओ में यदि शिकायत हुई है तो आपको मांग करना चाहिए कि इसकी जांच करा ली जाए, ईडी से करा लें, सीबीआई से करा लें, इनकम टैक्स से करा लें। आप मांग कर तो रहे रमन सिंह जी क्यों करें, ये काम आपका है, आप मांग कर तो रहे ये काम आपका है, रमन सिंह जी क्यों कहें? और ये चुनाव आयोग ने जो उन्होंने अपनी आमदनी दर्ज कराई है ये तो करीब 22 महीने हो गए, आज अचानक कैसे आपको ध्यान आया कि इनको कहां से मिल गया इतना? त्रिपाठी जी, जब केंद्र मोदी सरकार को मध्यप्रदेश सरकार गिरानी होती है तो कमलनाथ के भांजे के ऊपर सीबीआई छापा, ईडी छापा जी। राजस्थान सरकार गिरानी है तो गहलोत के भाई क्या छापा जी। तो पीएमओ को भी, प्रधानमंत्री मोदी जी को भी दोहरा मानदंड नहीं अपनाते हुए रमन सिंह जी के बारे में जो उनके पास शिकायत आई है तो उसको ईडी को देना था, इनकम टैक्स को देना था जी। यही तो हमारा कहना है जी, कि ऐसा कैसे होगा, भ्रष्टाचार में भी दोहरे मानदंड चलेंगे क्या देश में? भारतीय जनता पार्टी का नेता है तो उसको सारे खून माफ जी। तो जांच होने दीजिए, यदि विपक्ष का है तो उसका, यदि निर्दोष भी है तो उसको मार दो। खैर ये नरेश जी उत्तर दे देंगे। नरेश जी, बल्याणी जी का कहना है यही कि जो सोना का भी बताया, पैसा का भी बताया और
मुख्यमंत्री के पद में रहते हुए, हालांकि ये मुझे थोड़ा सा गले नहीं उतर रहा है कि अगर मुख्यमंत्री के पद में हैं तो उनका कोई अगर बिजनेस चल रहा है, खेती चल रही, धंधा चल रहा है, वो बंद कर दिया जाए या उनके बेटे का बंद कर दिया जाए। लेकिन खैर, बजरानी जी ने आरोप लगाया है, नरेश जी आपसे उत्तर जानना चाहेंगे। देखिए त्रिपाठी साहब, सबसे पहले मेरा एक सवाल है रमेश वल्यानी जी से। जी, 2003 से लेकर 2018 तक जितने भी एफिडेविट डॉक्टर रमन सिंह ने सबमिट किए, वो सारे एफिडेविट को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर, बहुत स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, आयकर विभाग स्क्रूटनाइज करती है एक एक एफिडेविट को विद द सोर्स ऑफ इनकम। दिस इज लेट डाउन नॉर्म्स, ये लेट डाउन नॉर्म्स है, ये पूरा नियम तय है जी। उस पर कोई कोई चीजें इरेगुलरिटीज नहीं पाई गई जी। ठीक, वल्यानी जी को आयकर विभाग के कार्यवाही कार्य किए पर भरोसा है कि नहीं, स्पष्ट करें। इनके नेताओं को आयकर विभाग द्वारा जो सर्टिफिकेट दिया गया है उस पर भरोसा है कि नहीं? 2003 का जो 2003 में पहले बार ये सिस्टम स्टार्ट हुआ, 2004 में वो हुआ, 4, 8, 13 ये तीन इनकी सरकारें थी, तीनों समय में इनकम टैक्स ने उसको एक्सेप्ट किया जी। उसके बाद डॉक्टर रमन सिंह का इशू जो है कोई आधार नहीं है, एफिडेविट हमने दिखाया है साहब, नॉन सोर्स से दिखाया और आयकर ने उसे एक्सेप्ट किया है जी। बात की समझ मेरे ख्याल से बाकी नेता करते हैं, रमेश वल्यानी जी को यह नहीं करना था क्योंकि वो इसके जानकार है, इसलिए नहीं करना चाहिए। ये बेहतर समझते हैं आयकर को, आयकर के ऊपर इनको भरोसा होना चाहिए, आयकर विभाग पर इनको भरोसा नहीं है क्या? बल्याणी साहब बात तो सही है कि 2013 में आप ही की सरकार थी तो उस समय ही आप जो भी करना था कर लेते। अगर आरोप ये लगा रहे हैं आयकर विभाग पे, ईडी पे, जिस पे भी आप आरोप लगा रहे हैं, तो आपके अधीन थी था ना 2014 तक। मैं आगे बता रहा हूँ जी। देखिए ये राजस्थान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं, वो उनका नेता निकम्मा है, बेईमान है, भ्रष्ट है, और जो ये नरेश गुप्ता जी बोल रहे हैं भ्रष्टाचारी और निकम्मों का सरकार है क्या वो राजस्थान सरकार? नरेश जी आप ये समझिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो इनकम टैक्स रिटर्न होता है उसको सेल प्रोसेस में एक्सेप्ट कर लेता है, स्कूटी होती नहीं है। सवाल ये शुरुआत ना, की ना, है नरेंद्र मोदी जी ने, रिसिप्ट इज डिफरेंट, मैचिंग आती है, एफिडेविट इज डिफरेंट, जनता को मिस में हो रहा है तो आप जान खुद क्यों नहीं करा लेते जी? यदि आपके ऊपर आरोप है तो आप खुद बोलिए पीएमओ को कि पीएमओ को शिकायत है कि पीएमओ जांच करा ले। साहब आप आरोप लगाए हो ना, पीएमओ जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वर्डिंग था आपने? आपकी सरकार आपने जांच कराया, आपकी सरकार ने उसको सही पाया, हमारी सरकार इस आप आयकर विभाग ने गलत किया बोल दो, आयकर विभाग की कार्यवाही गलत थी बोलिए। हम इनकम टैक्स को डायरेक्शन नहीं देते थे बोले वाले जी, आयकर विभाग ने जो चार स्क्रूटनाइज किया परंपरा शुरू की भारतीय जनता पार्टी ने, कि आप सबको डरा के रखो, सुप्रीम कोर्ट को डरा के रखो, चुनाव को डरा के रखो, आयकर विभाग ईडी को दबा के रखो। देखिए वो पूरे एफिडेविट को अब ये बताएं गलों के भाई क्या तो भेज दिया आपने, इनकम से मिला के भाजे क्या तो भेज दिया आपने, उसका रिपोर्ट जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, जनता को गुमराह मत करो। वल्यानी जी क्या भेज के दूध का दूध पानी हो जाएगा? वल्यानी साहब ये काम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करने दीजिए ना, वो पूछे अगर उन्होंने तो एफिडेविट दिया है, उन्होंने छुपाया तो नहीं, चुराया तो नहीं, ये काम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करने दीजिए, आपको क्यों सार्वजनिक करें इनकम टैक्स? आयकर विभाग ने कर लिया, वल्यानी जी बोले उनको भरोसा नहीं है, आयकर विभाग पर भरोसा नहीं है क्या? पूछो वल्यानी जी से। अंग्रेज उनको उत्तर क्यों दीजिए? आज की तारीख में जी, आज की तारीख में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या ईडी हो चाहे सीबीआई हो, वो बिना पीएमओ के हिलता नहीं है। अरे तो बिना पीएमओ के आप कैसे जानकारी? भरोसा नहीं है मतलब आयकर विभाग पर बोलिए ना। ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी की जिम्मेदारी है ना कि उनके पास यदि उनके पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ आरोप लगे हैं तो पीएमओ चार बार तो तीन बार तो आप कमीशन के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करा लेते भाई। 3, 8 और 13 का यह भी करा लीजिए, 13 का मनमोहन सिंह की सरकार ने सर्टिफिकेट दिया था जी। नरेश जी एक मिनट, हम थोड़ी आरोप लगा रहे हैं, आपके तथ्य बोल रहे हैं। बल्यानी जी, रमन सिंह जी ने कहा है कि आप एसआईटी को दे दीजिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने जो गठित किया, जो आपके पास सबूत है। नहीं हम क्यों दें,
तो रमन सिंह जी खुद पीएमओ को रिप्लेस कर लेना, हम तो मांग कर रहे हैं। यदि रमन सिंह को यदि लगता है कि वो निर्दोष है तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी को चिट्ठी लिख देगी, मेरे खिलाफ जांच करा लीजिए आप, बात खत्म। चलिए बाबूलाल जी, आरोप आप लगा रहे हो, आप भेजो एसआईटी को, एसआईटी में खारिज हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये आपके डॉक्यूमेंट खुद बोल रहे हैं, आरोप नहीं लगा रहे, आपके डॉक्यूमेंट खुद बोल रहे हैं। अधिकारियों को ये पनाह देते हैं जिनके खिलाफ ईडी की जांच हो रही है, पनाह देते हैं, तो आपके हैं जी। एक बार बाबूलाल जी आप बेहतर बताएंगे, नौकरी पर रखते हैं ईडी की सर्च में सस्पेंडेड आदमी को। नरेश जी एक मिनट, बल्यानी जी एक मिनट, बाबूलाल जी आप बेहतर बताएंगे, हालांकि है क्या ये आपके मुंह से ज्यादा सुनना चाह रहा हूँ, मुझे भी समझ में आ रही मामला मुद्दा क्या है। मुद्दा इनकम टैक्स ईडी जो भी है, जांच उनकी होनी चाहिए, लेकिन ये विपक्ष और सत्ता पक्ष का ये आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, लेकिन इसमें सत्ता पक्ष बोल रहा है कि विपक्ष के समय आरोप लगाए वो खुद भी जांच कर सकते हैं अलग अलग, कम से कम छत्तीसगढ़ में तो जांच कर सकती है सत्ता पक्ष। देखिए मामला चुनाव आयोग के पास जो रिटर्न जाता है उसका है, उसमें फर्क लिखा है जी, तो निश्चित रूप से वो इनकम टैक्स का मामला है, वास्तविकता तो यही है कि वो इनकम टैक्स का मामला है जी। प्रश्न ये है इनकम टैक्स ने इसको संज्ञान में लिया कि नहीं लिया, या उसने इन्होंने जो रिटर्न भरा होगा वही बाबूलाल जी सिस्टम समझ लीजिए, सारे 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 रिटर्न को स्क्रूटनाइज करता है। नरेश जी उनकी बात आ जाए, उनकी टिप्पणी, नरेश जी एक मिनट, अगर बीच में बोलेंगे तो टिप्पणी भी नहीं आ पाएगी, हम आपको समय देंगे। मान के चलता हूँ जी जी बाबूलाल। देखिए जो आपने अपने कार्यक्रम का नाम रखा जनता मांगे जवाब, मामला यही है, नैतिकता की बात जब आती है तो नैतिक रूप से बड़ा आरोप है जी। और रमन सिंह का जो 15 साल के दौर में जो उनपे आरोप प्रत्यारोप भूपेश बघेल सर संगठन के नेता के रूप में लगाते थे, उसको साबित करने का प्रश्न मेरे को लगता है आज इतने दिनों के बाद में अगर ये बात उठाए हैं तो अपने आरोपों को साबित करने का प्रयास इन्होंने किया है कि भाई ये इस तरह से हम कह रहे हैं कि जो रिटर्न उन्होंने भरा उसमें गलत है, और इतनी पूंजी कहाँ से आ गई, तो 10 साल की कमाई का मामला है, 10 साल में पैसा कितना कमाया, 5 लाख से 1 करोड़ कैसे हुआ जी। ये जवाब जो है वो निश्चित रूप से इनकम टैक्स का मामला है, इनकम टैक्स इसको देखेगा। और जहां तक सवाल है कि सरकार की असफलताओं पर वार कर रहा हूं इसलिए गलत बयानी मेरे बारे में की जा रही है, डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है, यही बात जो है भूपेश बघेल जब बहुत ज्यादा आरोप रमन सिंह के ऊपर लगाते थे तो बरसात भरी बरसात में जो इनकी जमीन नपवा दी गई थी तो उस समय भूपेश बघेल ने एकदम यही बयान दिया था कि मैं सरकार की असफलताओं पर वार कर रहा हूं, उसके भ्रष्टाचार पर वार कर रहा हूं, इसलिए गलत बयानी की जा रही है और मेरे साथ गलत किया जा रहा है, ये पक्षी पक्ष का आरोप है। लेकिन एक आश्चर्यजनक तथ्य जरूर मुझे लग रहा है, जो निष्पक्षता से अगर बात करूं कि आज सत्ता में है कांग्रेस और जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो विपक्षी दल के नेताओं की तरह हुई है, ये एक बड़ा प्रश्न है कि आखिर ऐसा कौन सा मौसम आ गया है कि चुनाव आ गया है या कोई और बात आ गई है, कोई उपचुनाव सामने आ गया है जिसमें इनकी छवि बिगाड़ने की जरूरत पड़ रही है, तो इस बात को आज उठाया जा रहा है जी। और अच्छा होता कि ये चुनाव के समय उठता, अगर ये पुख्ता प्रमाण इनके पास में है तो अभी न खोलो, तो 5 साल के अंदर में जब चुनाव पास में आएंगे तब खोलेंगे तो इनको फायदा मिलेगा, आज इसका क्या फायदा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वो बल्यानी जी ने बोल दिया है बाबूलाल जी, जो है बल्यानी जी ने कहा है क्या कारण है बाबूलाल जी, और मुझे लगता है दिया है उन्होंने तो इनकम टैक्स रिटर्न अमाउंट होगा। बाबूलाल जी बल्यानी जी ने कहा है कि उन्होंने कल ये कहा था कि हमें हमारे ऊपर जो आरोप लगाए गए थे उसमें क्लीन चिट मिल गई है इसलिए उन्होंने ये आरोप लगाए हैं, ये बल्यानी जी ने कह दिया है। और पनामा पेपर्स के बारे में कुछ नहीं कहा उन्होंने त्रिपाठी जी, जी पनामा पेपर्स के बारे में अभिषेक सिंह जी को स्पष्ट करना चाहिए ना, इसकी जांच तो ईडी करेगी जी। इसी पनामा पेपर्स में पाकिस्तान आपको सुप्रीम कोर्ट में गए थे, क्या हुआ हमारे जांच का क्या हुआ, पिटीशन लेके गए थे ना सुप्रीम कोर्ट में, एसआईटी के ऊपर आपकी सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन एसआईटी के बड़ा आपका सत्य में पुलिस हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने डबल पेपर खारिज किया आपको, जनता को गुमराह करते हो, जनता का टाइम वेस्ट करते हो, मीडिया का टाइम वेस्ट करते हो, सिर्फ और सिर्फ इनके ऊपर जो बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, साहब 20 महीने की सरकार में इनके अफसरों के यहाँ ईडी आ गई,
इनकम टैक्स आ गई, नीति आ गई, सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं। वो तो नरेश जी बल्लिया है जो कह रही है, राजी जी कह रहे हैं कि ईडी इनकम टैक्स कब पीएमओ के इशारे पे चलती, वो तो कह रहे हैं बल्लिया जी, आरोप लगा रहे हैं, तो 20 महीने में इसलिए आ रही है। आपके साहब ये बता दो, भूपेश बघेल और टीएससी ने इस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की थी, और उस अधिकारी को आप कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट देते हो जो चार्जशीट है, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में पिटीशन लगी हुई है, सरकार ने चार्जशीट कर दी, उसको आप लिख दीजिए तो भ्रष्टाचारियों को क्या मजाक करते हो। चार्जशीटेड लोग सरकार को चला रहे हैं, और जो इनकम टैक्स के छापे को बाधित करते हैं वैसे लोगों के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उनको प्रोत्साहन देते हैं, ये मजाक करते हैं साहब, जनता को गुमराह करने आ गए हैं यहाँ पर। आप बोलियाने जी, मैं आपसे एक बार स्पष्ट पूछा, आयकर विभाग के कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं कि आप नहीं है, विश्वास नहीं है आपके आयकर विभाग के कार्रवाई पर? तीन एफिडेविट तो स्क्रूटनाइज करके सर्टिफाई किया था, तीन आपके कार्यकाल में हुआ था। तो लीजिए बल्लियानी जी उत्तर दे रहे हैं, जो आपने पूछा उनको सुन तो लीजिए बल्लियानी साहब। नहीं नहीं, नरेश जी के साथ मेरा ये कहना है जी कि ऐसा है, जो संविधान में जो अधिकार स्वायत्तता दी गई है जांच एजेंसियों को जी, उसको तो कम से कम उसकी आप आजादी को, उनकी स्वायत्तता को, उनके संविधानिक अधिकार बचाइए, बचाती है। आप तो ऐसा मजाक बनाकर रखे हैं कि यदि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के यहाँ कोई विधायक रुके हैं तो उसके यहाँ छापा लगा दो, गहलोत सरकार को गिराना है तो उनके मंत्रियों के यहाँ उनके विधायकों का छापा लगा दो, एमपी सरकार को गिराना है तो उनके मुख्यमंत्री के रिश्तेदार का छापा लगा दो, ये क्या मजाक चल रहा है देश में? अरे बल्लियानी साहब, जब आपकी सरकार थी तो कहाँ पैसा मिल गया, ये तो बता दो सब जगह बल्लियानी पैसा मिला सब ऐसा जगह, कभी नहीं हुआ कांग्रेस पार्टी सरकार ने। जी जी बल्लियानी साहब, आपके समय जब आपकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, उस समय ये आरोप लगते रहे कि सीबीआई पीएमओ को तोता है, ये आरोप लगते थे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन हमारे समय में ईडी सीबीआई या इनकम टैक्स कभी भी पीएमओ के डायरेक्शन में काम नहीं करते थे, वो अपनी आजादी के साथ काम करते थे त्रिपाठी जी। जी अभी वो अधिकारी खुद बोलते हैं हम बड़े मजबूर हैं, हम क्या करें, कहाँ जाएं? इनकी आजादी से काम करते थे, ठीक बात है। बाबूलाल जी आपसे बात, बाबूलाल जी आपसे बात हो रही थी, कट गई पार्टी है, बाबूलाल जी आपसे बात हो रही थी, कट गई थी बीच में, आवाज नहीं आ रही थी। ये बैल पार्टी है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर सारे बड़े बड़े नेता बेल पे हैं, इसलिए भ्रष्टाचार के आरोप पे ये बेल पार्टी के लोग हैं। ये नरेश जी बाबूलाल जी आपके झूठे मुकदमों में बेल पर हैं। बाबूलाल साहब, बाबूलाल जी, वो बल्लियानी जी ने कहा कि चूंकि रमन सिंह जी ने कर रिएक्ट किया था इस मुद्दे को लेकर के कि उनको क्लीन चिट मिल गई है, इसलिए आज ये मुद्दा उठा है। ठीक है, अगर वैसा है तो कोई बात नहीं, छोटी मोटी बात है, कोई खास बात नहीं है। इन्होंने अपना जवाब दे दिया। सवाल मैंने जो रखा था कि भाई जब उन्होंने जो साफ साफ कह दिया कि भाई मेरे पास इतना पैसा है, उन्होंने लिखित में दिया है तो निश्चित रूप से रिटर्न में भी फाइल किया होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसमें उन्होंने लिखा कि मेरे पास 105 करोड़ रुपए है, ये 1.5 करोड़ रुपए है और रिटर्न में नहीं भरा हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मुद्दा जो है नैतिकता का है, और आपका जो प्रोग्राम का नाम है जनता मांगे जवाब, कि जनता के दरबार में उनको कितना नुकसान पहुंचाया जा सकता है या हमको कितना लाभ मिल सकता है, जनता इसको किस रूप में लेगी, क्या इस रूप में लेगी कि जो कह रहे हैं रमन सिंह की असफलताओं पर वार कर रहा है उसके लिए गलत बयानी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में दे दो, या भूपेश बघेल के समय जो है जमीन नापी गई थी, वो दोनों चीजों को देख करके जनता क्या सोचती है? जनता अगर ये सोचती है कि अरे रमन सिंह वास्तव में आरोप बहुत लगा रहे हैं इसलिए इसका जवाब दिया गया है जैसे भूपेश को दिया गया था रमन सिंह के द्वारा, या तो इस रूप में लेगी, और या इसको वास्तव में देखेगी कि 10 साल जो आरोप लग रहे थे रमन सिंह के ऊपर भी लगातार जो भूपेश बघेल लगा रहे थे कि ये भ्रष्टाचारी है भ्रष्टाचारी सरकार है, तो उसको साबित करने का समय मिल रहा है, इनको आरोप लगाएंगे साबित करने का प्रयास करेंगे, इनका कहना है हमारे पास सबूत है तो सबूत तो सामने कर देना चाहिए कि ये सबूत है, तो ये सबूत के तौर पे अगर ये इसको रखते हैं रिटर्न को, तो रिटर्न तो इनकम टैक्स में भी मिल जाएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मामला है, ये कोई राजनीतिक मामला है नहीं उस हिसाब से।
जी बिल्कुल नरेश जी, आरोप लगाया जा सकता है, आरोप लगाया जा सकता है त्रिपाठी साहब। नरेश जी एक मिनट, आपसे सवाल है वही जो उन्होंने कहा कि तो राजनीति आज सत्ता उनकी है, तो आरोप लगा रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि आरोप क्यों लगा रहे हैं। उन्होंने बाबूलाल जी ने कहा कि भूपेश जी की जमीन बरसात के समय जो नियमता है, बरसात में कभी भी कोई जमीन नहीं नापी जाती, लेकिन भूपेश जी की तो जमीन नापी गई थी, उसको मैं भी जानता हूं। नरेश जी देखिए, मैं पहले दिन से मैं आपको बड़ा स्पष्ट बता दूं जी, हाँ मैं बता रहा हूँ, वल्यानी जी मेरे मेरे सवालों का जवाब नहीं दिए कि 2003 का एफिडेविट, 2008 का एफिडेविट और 13 का एफिडेविट इनकी सरकार के समय में आयकर विभाग ने सर्टिफाई किया, उसको माना, सही माना, उस पर इनको भरोसा है कि नहीं स्पष्ट बता दे, क्योंकि मैं 2018 के एफिडेविट पे बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो हमारी सरकार के समय में इसको, आप भी इनकम टैक्स वकील हैं, मैं भी इनकम टैक्स वकील हूं, उसके बाद आप उससे बात करते हैं, सरकार जाती नहीं है कि उसकी जांच कर ले, अरे जांच तो हो चुकी है, वो सेल बजट में एक्सेप्ट हो गया, और जो अभिषेक के ऊपर जो आरोप लगाए उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, और आपका कुछ बोलना है तो सुप्रीम कोर्ट क्या बातें कर रहे हैं, आप ही वकील हो, इनका जाके बोलो ना। लेकिन नरेश जी यहाँ हल्ला हल्ला क्या करते हो, और आप वही की देखिए नरेश जी यहाँ आप उसी एफिडेविट को वहाँ जवाब दे रहे हो, सवाल ये उठ रहा है जो एफिडेविट जांच हो गई है उसी एफिडेविट को दे रहे हो, विपक्ष अगर आरोप लगा रहा है और उन्होंने हलफनामा दिया है, बकायदे सब सोच समझ के हलफनामा दिया होगा, तो अगर वही सार्वजनिक कर दे कि हाँ मेरी ऐसी संपत्ति ऐसे ऐसे आई है, ऐसे ऐसे बढ़ी है, 20 साल का समय बहुत होता है 2003 से 2018, तो दे सकते, वही दे दे तो खत्म हो जाए सारा आरोप, रमन सिंह जी ही दे दे। देखिए आपको बड़ा जो जानकारी थी सारे विभागों को और एफिडेविट, मैं तो बताया मेरे एफिडेविट मेरी संपत्ति क्या है, इसका मैंने कंप्लीट विवरण प्रस्तुत कर दिया है, एफिडेविट दिया, ऑन एफिडेविट दिया मैंने, आप उस पर ये बताइए मेरे पास कौन सा अनडिक्लेयर्ड सोर्स इनकम थी, ये कंप्लेनेंट ने कहीं नहीं लिखा, उसी एफिडेविट को लगाकर भेज दिया, वो तो एफिडेविट पब्लिक डोमेन में है, जिस एफिडेविट की जांच हो रही है, अगर आप बरलानी की आरोप लगा रहे हैं तो आपको दे देना, गुमराह करते हैं हमें, कब कब कौन से ईयर में कौन से मंथ में क्या इनकम खर्च हुई कि खत्म हो जाए इनका आरोप ही खत्म हो जाए, उल्टा पड़ जाएगा दांव इनका। सुनिए ना वल्यानी जी, सुनो ना वल्यानी जी, उसको आपको जो चीज है वो सारा रिकॉर्ड में है, वल्यानी जी से कोई भी जी पूछ सकता है, कोई भी चीज देख सकता है, सिस्टम है, आयकर विभाग के ऊपर सारी चीजों की जानकारी है, सारे चीज रिकंसाइल्ड है, एफिडेविट इज रिकंसाइल्ड, ये वल्यानी जी को बहुत अच्छे से मालूम है, सवाल उठा नहीं रहे हो तो ईडी खोजेगा सीबीआई, और मेरा मुंह नहीं खुलवा, बहुत सारे लोगों को वह जिनका एफिडेविट मिसमैच हुआ वो उनके इनकम में जुड़ चुका है, चलिए मुंह खोल दीजिए, उसमें क्या है, आई एम नॉट कंसर्न, विपक्ष में है, आज सिर्फ इसी इशू पे बात करता हूँ मैं, आप विपक्ष में है आपको मुंह खोलना चाहिए, ना ना व्यक्तिगत टिप्पणी करने नहीं आया हूँ, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी करने नहीं आया हूँ, आपको सुप्रीम कोर्ट पे इनको भरोसा नहीं है, रमेश वल्यानी जी और राजनीति को, और इनकम टैक्स पर रमेश वल्यानी जी को भरोसा नहीं है, ये इनकी सोच है, भारत जी जब वो आपके नेता पे व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं तो आपको भी व्यक्तिगत टिप्पणी कर लेनी चाहिए, आपके नेता पे व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं, वो उनका चरित्र है, मेरा चरित्र नहीं है जी, वो उनका चरित्र हो सकता है, वो मेरा चरित्र नहीं है, कार्यकाल में हुआ जी जी, प्रीदर्शी बैंक घोटाला आपके में हुआ जी, चलिए आपने मंसूराम पवार का जो नामांकन विड्रॉ कराया वो आपके कार्यकाल में हुआ, उसमें 4 करोड़ की लेन देन हुई, वो रिकॉर्डेड है, एविडेंस है जी, उसकी जांच तो आपने कराई नहीं कभी, चलिए तो अब आपकी सरकार है बरलानी जी, जो जो दोषी है उनको जेल भेजिए ना, तो सारी बात सामने आ जाएगी सबूत के साथ, खैर हमारे समय रमेश जी आपकी इस पूरे मुद्दे पर टिप्पणी थी। त्रिपाठी जी, राजनीति पिछले काफी वर्षों से ऐसी हो गई है कि मुद्दों के बजाय व्यक्तिगत आरोप लगाना जी, तो ये दोनों दल करते हैं, तो इसी तरह का मुझे तो ये आरोप व्यक्तिगत लगता है, उसका कारण ये है कि अगर रमन सिंह जी ने भ्रष्टाचार किया होगा तो संपत्ति अलग तरीके से बनाई होगी, और उस अगर आरोप लगाना है तो उस अलग तरीके की संपत्ति पर आरोप लगाना चाहिए, जहां तक ये जो शपथ पत्र है तो ये जो ये तो बहुत क्लियर ही शपथ पत्र है, इसके अलावा इनकम टैक्स उनका रिटर्न भी दाखिल हुआ है, और इनकम टैक्स रिटर्न में ये दिखाया जाता है कि आय का स्रोत क्या है और किस तरीके से ये बढ़ी है, तो ये तो सारा का सारा एक नंबर का मामला है, इस पर तो ये तो केवल मीडिया में सुर्खियां ही बटोरेगा और इन चीजों से बचना चाहिए। एक दूसरी बात, जो समय इनकम टैक्स पर डिपार्टमेंट पर भी आरोप लगते हैं
मुझे कई वक्त इस बात का आश्चर्य होता है, राजनीति में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इलेक्शन कमीशन है, सीबीआई है, रिजर्व बैंक है, इन संस्थाओं को आरोप लगाने से बचना चाहिए। मोदी की सरकार तो 2014 में आई, इनकम टैक्स के सारे ऑफिसर तो कांग्रेस के जमाने के भर्ती हैं, और अगर उनके जमाने के भर्ती लोगों को दो चार पांच साल में अपने इशारे पे चलाने लगे तो इसका मतलब उनमें कोई अलौकिक ताकत है, और उस अलौकिक ताकत के जरिए उन्होंने अपने को भस्म कर लिया। तो इन सब चीजों से बचना चाहिए। और ये जो शपथ पत्र में आमदनी है, तो मैं समझता हूँ वो तो बहुत क्लियर है, उसमें कुछ है नहीं। वो फिर रमन सिंह को क्यों उत्तर देना चाहिए? रमन सिंह से कोई एजेंसी पूछे तब रमन सिंह उसको उत्तर दे। भाई आज आज उन्होंने ये आरोप लगा दिया, कल को दूसरा आरोप लगाएंगे तो ये इसी में उलझ जाएगा मामला। तो कुल मिलाकर के यदि वाकई भ्रष्टाचार किया है तो कांग्रेस को थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। अगर रमन सिंह ने भ्रष्टाचार किया है तो संपत्ति कहाँ बनाई हुई है, किसके नाम पर इन्वेस्ट की हुई है, उन पर सब चीजों पर विचार करना चाहिए। वो आरोप लेकर के आए, ये तो क्लियर ही है, इसमें तो कोई दम मुझे तो दिखती नहीं है। चलिए, मेरा समय भी समाप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी आपका, नरेश जी आपका, और बाबूलाल जी आपकी टिप्पणी को लेकर के हमारे साथ चर्चा में जो शरीक हुए। तो राजनीति से अलग इस मामले में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनकी चर्चा नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यों को खुद की बनाई एसआईटी को देने को कहा था, तो क्या इसे क्लीन चिट माना जाए? जिस लिस्ट में ये नाम आया है वो बाकायदा बैंक की लिस्ट है जिसे हर वक्त फलसियानी ने लीक की थी। इसके बाद दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्षों को इस्तीफा देना पड़ा था। भारत के जिस अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है उनकी इस जांच में रुचि नहीं दिखी, जिसे लेकर बकायदा भारत सरकार से भी शिकायत की गई। उससे बड़ा सवाल कांग्रेस पर भी है कि कांग्रेस केंद्र सरकार से ही क्यों मांग कर रही है, तो खुद अपनी राज्य सरकार से मांग क्यों नहीं कर रही, जबकि सत्ता में आने के बाद सीएम बघेल ने कहा था कि इस मामले में जांच होगी। खैर, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को जिस तरह से निशाने पर लिया है उसके बाद बीजेपी अब किस तरह से सत्ता पक्ष के खिलाफ आक्रामक होती है, ये देखना भी जरूर होगा। चलिए, छत्तीसगढ़ के बाद रुख मध्य प्रदेश करते हैं जहां परफॉर्मेंस की परीक्षा है।